नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल। आज मैं मेरे चैनल पे एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जो नागपुर के बहुत पुराने ब्रीडर है डोबरमैन के और नागपुर कैनिन क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। आइए मिलते हैं मिस्टर गुरमीत सिंह नरूला जी से और उनसे पूछते हैं कि आपके डॉग शो में होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरमीत सिंह नरूला है। मैं पिछले कई वर्षों से डॉग गेम से जुड़ा हूँ और मुझे डॉग का शौक करीब 25 साल से है। मैंने कई शोज अटेंड किए हैं, कई ब्रीड्स रखी हैं और उसके बारे में मुझे काफ़ी जानकारी भी हासिल हुई है, जिसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉग एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को, जिसको इसका शौक होता है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और जो डॉग रिलेटेड शोज हैं, ये एक ऐसे इवेंट होते हैं जहां हर इंसान चाहता है कि उसका डॉग विन करे। अब जो शो विनिंग डॉग्स है उनमें और पेट डॉग में क्या फर्क है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जो पेट डॉग है वो एक घर ग्रूती डॉग्स होते हैं जो हर इंसान की एक शौक होता है उनका, कि उनके डॉग्स मोटे ताजे रहें। और जो शो डॉग्स हैं ये एक ऐसे डॉग्स होते हैं जो हर चीज में परफेक्ट होते हैं, जैसे हर ब्रीड का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के अनुसार वो डॉग होता है। उसका वेट, उसकी फिटनेस, उसके कलर, उसके बाकी के सब कैरेक्टर जैसे लेग्स, टेल, ईयर्स, ये सब चीज परफेक्ट होने से वो शो डॉग कहलाता है। गुरविंद भैया, बताइए हमें कि आखिर डॉग शो में होता क्या है। कपिल जी, डॉग शो में जितने भी डॉग्स होते हैं उनके हैंडलर द्वारा उनको जजेस के सामने प्रेजेंट किया जाता है और जजेस हर डॉग का स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करते हैं कि कौन सा डॉग सबसे अच्छा है। अब स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि इसमें डॉग्स के मूवमेंट, उनका शेप, उनका कलर और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो सब देखी जाती हैं। जो डॉग सबसे ज़्यादा परफेक्ट है उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देकर उसकी विनिंग उस हिसाब से होती है। ये कोई जरूरी है कि इसमें हैंडलर ही होना चाहिए उनको हैंडल करने के लिए, हैंडलर या ओनर भी करता है? हैंडलर का कपिल जी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हैंडलर वही इंसान होता है जो एक परफेक्ट डॉग को हैंडल करने वाला व्यक्ति होता है। उसको ये चीज पता होती है कि डॉग को कैसे पकड़ के कैसे मूव कराया जाए और बाकी भी चीजें जो है, स्टैक करना, मूवमेंट कराना, उसमें अगर कोई मामूली सा डिफेक्ट है उसको कैसे हाइड करना, ये सब चीजें एक हैंडलर द्वारा ही प्रोफेशनल की जाती है, कैसे दिखाना चाहिए वो हैंडलर जी, जी। बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हैंडलर ने ही करना चाहिए, नहीं, ओनर भी कर सकता है। ऐसा है, ओनर तब कर सकता है। अब एक हैंडलर और एक ओनर की हैंडलिंग में फर्क यही होता है कि वो प्रोफेशनल हैंडलर्स उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैंडलिंग करते हैं और एक ओनर अपने हिसाब से हैंडलिंग करता है। पर डॉग की हैंडलिंग एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है डॉग की प्लेसिंग में। अगर हैंडलिंग परफेक्ट रही, ऑटोमेटिकली डॉग अच्छा मूव करेगा, डॉग अच्छा स्टैग होगा, जजेस को उसके कैरेक्टर्स अच्छे दिखेंगे, उसको वो प्लेस करेंगे। अच्छा, तो प्लेस होने के बाद इनको कोई अवार्ड प्लेस होते हैं? देखिए कपिल जी, ऐसा है कि डॉग शो में हर डॉग की कई क्लासेस होती हैं। जब डॉग शो होता है तो पहले उसकी क्लास के हिसाब से उसका शो करना पड़ता और जो क्लास के विनर्स होते हैं, फिर उसके बाद वो हर क्लास के विनर को बेस्ट ऑफ ब्रीड में सिलेक्ट किया जाता है
फिर जब वो डॉग बेस्ट ऑफ ब्रीड सिलेक्ट होता है तो उसको रिजर्व रखा जाता है ग्रुप जजिंग के लिए। ओके। फिर ये एक ग्रुप जजिंग होती है, कुछ ब्रीड्स का एक ग्रुप बना होता है, उसमें ग्रुप जजिंग होती है। जो ग्रुप विनर होता है फिर उसको सिलेक्ट करके रिजर्व करके रखा जाता है लाइनअप के लिए, जो शो के आखिरी में डिक्लेयर होता है। तो ये जब डॉग जीतते हैं तो इनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाता है, और उसका कोई इम्पोर्टेंस भी है या जस्ट उस शो में जीतते हैं तो उनको? कपिल जी, ऐसा है, हर ब्रीड के जो विनिंग्स होते हैं उसमें जैसे बेस्ट ऑफ ब्रीड होता है वैसी एक सीसी सर्टिफिकेट, चैलेंज सर्टिफिकेट कहते हैं। तो जो चैलेंज सर्टिफिकेट होता है उसका एक बहुत अहम रोल है, और वो अहम रोल ऐसा है कि एक डॉग जब चार अलग अलग जजेस के द्वारा सीसी सर्टिफिकेट लेने पर उसको कैनल क्लब ऑफ इंडिया चैंपियनशिप का टाइटल देती है। ओके। तो ये जो टाइटल होता है वो उसी शो के लिए रहता है या और भी शोज में उस टाइटल का उसको कंटिन्यू किया जाता है? डॉग का चैंपियनशिप टाइटल अपने आप में एक बहुत अहम रोल रखता है। ओके। अगर एक डॉग चैंपियन बन गया है तो वो चैंपियनशिप क्लास में ही शो होगा, ना कि दूसरे डॉग्स के साथ जो चैंपियन नहीं है। ओके। ये एक चीज और पूछना था, तो जैसे ये तो हो गया कि डॉग जीता और उसका उसको चैंपियनशिप टाइटल अलॉट हो गया, और ये तो इससे ओनर्स को भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं? ऑब्वियस सर, बिल्कुल मिलेंगे। देखिए कपिल जी, आपने देखा होगा जो डॉग विन कर रहा है और कंटिन्यूस विन कर रहा है, उसका ओनर अपने आप को एक प्राउड फील करेगा। उसको ये जरूर होगा कि मैंने जो इस डॉग के पीछे मेहनत करी है उसमें मैं सक्सेस हुआ हूँ, और डॉग की विनिंग पर उसका इम्पोर्टेंस भी ज़रूर बढ़ता है कि हर इंसान को ये लगता है कि इनके पास चैंपियन डॉग है तो उसका इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ता है। और एक और सवाल, ये जो डॉग शो वाले डॉग्स है और शोज जो होते हैं, तो शो से ब्रीड इम्प्रूवमेंट में भी कुछ मदद? सर, ये डॉग शो जो होते हैं ये एक अवेयरनेस के लिए होते हैं। ओके। लोगों के प्रति ये अवेयरनेस होता है कि अच्छे डॉग्स क्या होते हैं और पेट क्वालिटी के डॉग्स में क्या फर्क होता है। तो जो आम लोग हैं, जो जिनको डॉग गेम के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, उनको ये पता चलता है कि डॉग शो में विनिंग डॉग्स के कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए और उनको शो कैसे किया जाता है। तो ये शोज जो है ये एक अवेयरनेस के लिए ही होते हैं, ताकि आम लोगों को ये पता चल सके उनके डॉग में क्या अच्छी चीज होती है। ओके। तो भैया थैंक यू जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है, और बताइए कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए दो शब्द। मैं सभी यंगस्टर्स को ये मैसेज जरूर देना चाहूँगा कि वो अपने डॉग्स को एक स्पिरिट के साथ शो करें, और सभी व्यूअर्स उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपके आसपास कोई भी शो होता है आप आइए, उस शो को समझिए और एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गुरमीत भैया। प्लीज़ दोस्तों, मेरे एक नए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।